यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल, जो आपका सोशल साइंस के अंदर थर्ड नंबर पर जो पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका चैप्टर वन हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वन है डाइवर्सिटी। यस, डाइवर्सिटी आप लोगों ने पहले भी यह वर्ड सुना होगा या इस वर्ड से आप लोग नोन होंगे। चैप्टर वन डाइवर्सिटी है, उसका जो पार्ट वन आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यस, जो चैप्टर वन है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नता या विविधता, मतलब अलग अलग तरह से या डिफरेंट डिफरेंट, जो एक ही लाइक हम कोई ग्रुप देखते हैं, एक ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पीपल्स हमें देखने को मिलते हैं। किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी का जो ईट फूड है वो अलग होता है, किसी का ड्रेसिंग स्टाइल अलग होता है, उनके रहने का तरीका अलग होता है। एक ही ग्रुप में हमें अलग अलग टाइप्स के लोग देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है कि हमें कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अगर हमें देखने को मिलती है तो वो चीज़ कहलाती है डाइवर्सिटी। यस, देखिए आप लोग, इट वॉज़ द बर्थडे ऑफ अपूर्वा। आज क्या था, अपूर्वा का बर्थडे था। हिज फ्रेंड रुशील, जयती, अवंतिका, अनन्या एंड अदर वर इन्वाइटेड टू हिज हाउस। उसने अपने जो फ्रेंड्स थे जयंती, रुशील, अनन्या और उसके जो अदर फ्रेंड थे उनको अपने घर पे इनवाइट किया था। क्यों? क्योंकि आज उसका बर्थडे था। ऑल ऑफ देम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर अपूर्वा। सभी अपूर्वा के लिए क्या लेके आए थे, गिफ्ट लेकर आए थे। इट वॉज़ ए फीस्ट ऑफ इडली एंड डोसा। आज क्या थी, इडली और डोसा की क्या थी, दावत थी। मतलब उन्होंने जो बर्थडे के अंदर, जो बर्थडे पार्टी के अंदर क्या फूड बनाया था, क्या खाना बनाया था, खाने के लिए इडली एंड डोसा उन्होंने बनाया था। यस, फिर देखिए, नेक्स्ट डे इट वॉज द बर्थडे ऑफ अवंतिका। नेक्स्ट डे किसका बर्थडे था, अवंतिका का बर्थडे था। शी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड। उसने भी अपने सारे जो फ्रेंड्स थे उनको इन्वाइट किया था। अवंतिका ने भी अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था। हर मदर प्रिपेयर्ड अ वैरायटी ऑफ डिशेज। उसकी जो मदर थी, अवंतिका की मदर ने काफ़ी वैरायटी ऑफ डिशेज उसने बनाई थी। अवंतिका की मदर ने क्या क्या बनाया था डिशेज में, देखिए, चाउमीन, पिज़्ज़ा, केक एंड पुडिंग उन्होंने बनाया था। द रूम वॉज डेकोरेटेड विथ कलर्ड बैलून एंड स्ट्रीमर्स। जो रूम था वो कलर्ड बैलून, मतलब रंग बिरंगे जो बैलून्स वहाँ लगाए हुए थे, स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स जो फरियाँ होती है, जो पेपर की जो कलर्ड फरियाँ आती है, पतली पतली जो होती है, वो स्ट्रीमर्स उन्होंने लगाए हुए थे। अनुष्का पार्टी वॉज डिफरेंट। अनुष्का की जो पार्टी थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, बींग ए बंगाली। क्यों? क्योंकि वो बंगाली थे। द डेकोरेशन एंड फूड वॉज टिपिकल वेस्ट बंगाल। जो फूड था या जो डेकोरेशन उन्होंने जो घर की सजावट करी थी वो किस अकॉर्डिंग करी थी, वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से खाना बनता है, जिस तरह का डेकोरेशन करते हैं, उस टाइप का उन्होंने किया था। अ वैरायटी ऑफ स्वीट्स वर सर्व्ड, एवरीवन एंजॉयड। काफ़ी अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्वीट्स उन्हें सर्व की गई थी खाने में, और जो बच्चे आए थे बर्थडे पार्टी के अंदर या उनके जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया था पार्टी के अंदर। यस, देखिए, ऑल ऑफ दीज लिव इन ए बिल्डिंग विच हैज़ 140 प्लेट। जो 140 फ्लैट्स, जो सारे फ्रेंड्स थे वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लैट्स थे, 140, मतलब जो सारे फ्रेंड्स थे सेम ही बिल्डिंग में रहते थे और वहाँ कितने फ्लैट्स थे, 140 फ्लैट्स थे। यस, फिर देखिए, दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ़ इंडिया एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो सभी लोग कहाँ से, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते थे, और जो उनकी लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, वो भी सभी की क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी, अलग अलग टाइप की वो लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। लाइक लैंग्वेजेस देखिए, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, मराठी, पंजाबी एंड बांग्ला, ये लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे। मतलब जो साउथ साइड से था तमिल तेलुगु बोलता था, जो महाराष्ट्र के थे वो मराठी लैंग्वेज बोलते थे, जो पंजाब के थे वो पंजाबी लैंग्वेज बोलते थे, और जो वेस्ट बंगाल के थे वो बांग्ला लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो लोग उस सोसाइटी के अंदर रहते थे या उस बिल्डिंग के अंदर रहते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एरोनोमिस साइज एंड डाइवर्सिटीज़। इंडिया जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं की, मतलब यहाँ डाइवर्सिटी है। हम देखते हैं हमारी जो स्टेट है, 28 स्टेट्स, वहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, वहाँ का कल्चर अलग अलग है, लोगों का जो वहाँ खाने का स्टाइल है वो अलग है, ड्रेसिंग अलग है, सब कुछ चेंज है। हर स्टेट में हम जाते हैं हमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिलती है। और इसकी जो साइज़ है, एरोनोमस साइज़, मतलब बिग साइज़, मार्क कीजिए बिग, एरोनोमस मतलब होता है बिग। जो हमारे जो देश है वो भी बहुत है, क्या है, बड़ा है।
फिर देखिए, इट हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। या 29 स्टेट, अब स्टेट कितने रह गए, 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज हो गई है 9, तो आप चेंज कर लीजिएगा। और उसमें नेशनल टेरिटरी दिल्ली को भी इंक्लूड किया गया है। जो दिल्ली है वो क्या है, नेशनल टेरिटरी है। विथ अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या है, वाइड, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट अगर पार्ट्स में जाते हैं तो वह हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट हमें फील होता है। लाइक राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि डेजर्ट होने की वजह से। यहीं अगर हम ऊपर जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज है, वहाँ कोल्ड, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है वहाँ। वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। और यहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है बहुत ही हाई होता है। और अगर साउथ में जाते हैं तो साउथ में डिफरेंट हमें टेम्परेचर अलग, वहाँ जैसे साउथ के अंदर कभी विंटर्स होती नहीं, सर्दियाँ होती नहीं, वहाँ ऑलमोस्ट क्या होती है, गर्मी ही होती है। और कभी भी वहाँ बारिश हो जाती है, क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया वहाँ पास आने के कारण, समुद्री तट पास होने के कारण वहाँ क्या होती है, बारिश कभी भी हो जाती है। यस, तो इस तरह से यहाँ जो क्लाइमेट है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद देखिए, इंडिया इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन इट्स फिजिकल फीचर्स, यहाँ का जो फिजिकल फीचर्स है वो भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट मिक्स है। कई हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं, कई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कई रिवर्स देखने को मिलते हैं, कई वैलीज देखने को मिलती है। यस, हम कहीं अगर हम यूपी साइड, मतलब अगर इंडिया के मिड की बात करें तो वहाँ हमें प्लेन देखने को मिलते हैं, प्लेन्स मतलब मैदानी भाग, ऊपर जाते हैं तो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और हमारे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर साउथ में जाते हैं तो वहाँ कोस्टल एरिया है तो हमें सी देखने को मिलता है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से हमें जो फिज़िकल में क्या जो है कॉन्ट्रास्ट मिलता है कि अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग जगहों पर। इन इंडिया वन कैन मीट द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसिकल ग्रुप्स, ट्राइब्स, रिलीजन। इसके अलावा इंडिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स जैसे यहाँ रहते हैं, ट्राइब्स जो जनजाति वगैरह होती है, या रिलीजन अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, लैंग्वेज अलग होती है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग वहाँ यहाँ रहते हैं इंडिया में। यस, फिर देखिए, अवंतिका'स मदर आस्क्ड हर टू प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो अवंतिका की मदर ने उसे बोला कुछ लिस्ट बनाने के लिए कि तुम कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाओ। यस, देखिए, वॉट वर द चिल्ड्रन वियरिंग इन दीज पार्टीज। तो जो चिल्ड्रंस आए थे या उनके जो फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था पार्टी के अंदर, बर्थडे पार्टी में वो आए थे तो उनका क्या ड्रेसिंग था, क्या ड्रेस वो पहन के आए थे, तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला। व्हाट वाज द वैरायटी ऑफ फूड एट दीज पार्टीज, और इन जो पार्टीज़ थी बर्थडे पार्टीज़, उनमें क्या क्या वैरायटी, किस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट डिशेज बनी, अलग अलग टाइप की डिशेज बनी, उसके बारे में तुम उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाओ। यस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपको डायग्राम दिख रहा है बुक के अंदर, तो देखिए किस तरह से बच्चों ने अलग अलग ड्रेस पहन रखा है, किसी ने फ्रॉक पहनी हुई है, किसी ने कुर्ता एंड पजामा पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, किसी ने ऊपर कैप लगा रखी है। तो इस तरह से जो अलग अलग बच्चे आए थे, तो आप ऑब्वियसली वो अलग अलग कास्ट के थे, उनके जो घर पर रिलीजन था वो अलग अलग था, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका ड्रेसिंग सेंस था। यस, देखिए, डू यू नो द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज कॉइन बाय द ग्रेट हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ। ये जो ये वर्ड थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इन्होंने दिया था, इट वाज श्री जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, हु प्लेस मस्ट एम्फसाइज ऑन द कॉम्पोसाइट कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। वो चाहते थे कि जो इंडियन कल्चर हो मिक्स हो, मतलब कि यहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल्स यहाँ जो रहते तो वो सब एक साथ यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहे, वो आपस में उनके कोई डिस्प्यूट्स ना हो, फाइटिंग्स ना हो, वो वॉर्स ना करें, बल्कि सब एक साथ क्या रहे, मिलजुल कर रहे, एक साथ वो लोग रहे, ये जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। यस, फिर देखिए, विच लैंग्वेज, थर्ड जो उसकी मम्मी बोलती है, उसको मदर करने के लिए बोलती है, विच लैंग्वेज डिड द चिल्ड्रन एट द पार्टी स्पीक एट होम। कि जो बच्चे अपने अपने घर पर जो पार्टीज़ में आए थे तो वो अपने घर पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो लोग बोलते, ऑब्वियसली जो वेस्ट बंगाल के तो वो बंगाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो महाराष्ट्र के थे तो वो मराठी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अगर जो साउथ वाले पार्ट से आए थे तो वो तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज वो लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से उनकी मदर बोलती है, उसको लिस्ट बनाने के लिए बोल रही है अवंतिका को, कि जो चिल्ड्रंस जो थे वो किस टाइप की लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते थे अपने घर पर।
फोर्थ जो है लिस्ट बनाने के लिए बोलती है, इन विच लैंग्वेज डू द चिल्ड्रन स्पीक व्हेन दे आर टुगेदर। और जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं टुगेदर, सारे बच्चे जब कम्बाइंड होते हैं पार्टी में या कहीं मिलते हैं, तब वो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? वो अपनी वहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं या जो हमारी इंग्लिश यूज़ करते हैं या हिंदी? तो किस टाइप की लैंग्वेज वो वहाँ यूज़ करते हैं जब सारे बच्चे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं? फिफ्थ, उसकी मदर जो लिस्ट बनाने के लिए बोल रही है वो है, व्हाट आर देयर फेवरेट स्पोर्ट, और उनका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, कि कौन सा गेम उन्हें खेलना पसंद है उसके बारे में। तो आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड मेक ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस, जो फाइव क्वेश्चंस थे, अगर उन क्वेश्चंस के हमें आंसर अगर मिलते हैं या फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाएगी। ऑब्वियसली कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनके जो फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ड्रेस डिफरेंट डिफरेंट है, सभी को जो फेवरेट स्पोर्ट है वो सबका डिफरेंट होगा। जब बच्चे कलेक्ट होते हैं, एक साथ होते हैं, तब वो अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो एक बात ही क्या हो जाएगी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट हो जाएगी। यस, फिर देखिए, वी हैव वैरायटी इन आर सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस एंड फूड हैबिट्स। यहाँ ये बोल रहे हैं, हम देखते हैं कि हम आसपास देखते हैं कि वैरायटी ऑफ सेलिब्रेशंस, हम अलग अलग टाइप के सेलिब्रेशंस करते हैं, लाइक कोई होली, दीपावली, तो कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है 25 दिसंबर को, कोई पोंगल बनाते हैं, कोई ओणम बनाते हैं। तो इस तरह से लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स, सभी के स्पोर्ट्स अलग 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 होते हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग टाइप की लोग यूज़ करते हैं, मराठी लैंग्वेज करते हैं, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, और ड्रेसेस, लोगों के पहनने का जो ड्रेसिंग होता है वो भी अलग अलग होता है। लाइक महाराष्ट्र में मराठी साड़ी पहनते हैं, और राजस्थान में धोती पहनी जाती है और सर पर पगड़ी पहनी जाती है। अगर पंजाब में जाए तो कुर्ता पजामा हमें देखने को मिलता है, और लेडीज़ होती है वो कुर्ती एंड सलवार पहनती है। जम्मू एंड कश्मीर में अलग ड्रेस हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो लोगों का कॉस्ट्यूम है वो भी क्या है, चेंज है। उसके बाद फूड हैबिट्स, जो खाने की आदतें हैं वो भी लोगों की अलग अलग है। लाइक साउथ साइड में लोग राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ जो उनकी फूड हैबिट्स है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, कि उनके यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इस तरह की यूज़ करते हैं फूड आइटम्स की उनके जो बॉडी का जो है गर्माहट मिलती रहे। लाइक जैसे कि नॉनवेज वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं, या टी या कॉफ़ी वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की फूड हैबिट्स है लोगों की वो अलग है। तो इस तरह से पंजाब की बात करें तो वहाँ सरसों का साग और वो मक्की की रोटी खाई जाती है। तो इस तरह से लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज है। लैंग्वेज ऑल्सो हैव डिफरेंट डेलिकेट्स, और लैंग्वेज तो है ही है, उसके अलावा वहाँ पर एक डेलिकेट मतलब उपभाषा, वहाँ पर एक उपभाषा भी चलती है कि वहाँ लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बट बेसिकली वी ऑल आर वन, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग क्या है, एक ही है, हम इंडिया में ही रहते हैं, ऑल आर इंडियंस, हम सभी क्या है, भारतीय हैं, इंडिया में ही, चाहे हम किसी भी स्टेट में रहते हैं, हम कोई से भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे हमारे खाने का स्टाइल कैसा भी हो या हम हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा भी हो, लेकिन हम लोग क्या है, एक ही है, ऑल आर इंडियंस, और सो ऑल वी आर यूनाइटेड, और हम क्या है, यूनाइटेड है, हम सब क्या है, एक है, कोई अलग अलग नहीं है। यस, देखिए, दिस इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही चीज़ कहलाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब जो हम क्या है, एक है, हम यूनिफॉर्म यूनिटी में हैं, सब जो अलग अलग होते हुए भी, सबके कास्ट रिलीजन अलग अलग होते हुए भी, लैंग्वेज अलग अलग होते हुए भी, सब क्या है, एक ही है, सब एक साथ रहते हैं, एकता में रहते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स अ वाइड वेराइटी ऑफ कल्चर्स, ओपिनियन, बिलीव्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। यहाँ ये बोल रहा है डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स के लोग, उनका ओपिनियन अलग होता है, उनके बिलीव्स मान्यताएं अलग होती है, कस्टम्स अलग होते हैं, उनके ट्रेडिशंस, उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली हम देखते हैं कि लोग जो फेस्टिवल्स में हम देखते हैं कि किसी कोई किस टाइप से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, कोई किस टाइप के, यहाँ तक कि जो रिचुअल्स होते हैं, मैरिज वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है, तब लोगों के रिचुअल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी वेराइटीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। इट इज़ दिस डाइवर्सिटी दैट मेक द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, वो ये डाइवर्सिटी ही इंडिया को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये सारी चीज़ें मिलके ही क्या बनाती है, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक यूनिटी बनाती है, एकता बनाती है। चाहे हम
हमारा ओपिनियन कुछ भी है, हमारा बिलीव्स कुछ भी है, हम कोई सा भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं या ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, इंडियन है, हम एक भारत के अंदर रहते हैं और हम एक ही कंट्री के क्या हैं, सिटीजन्स हैं। यस, फिर देखिए रिलीजन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो धर्म है, रिलीजन्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ लिव इन इंडिया। यहाँ ये बोल रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं या धर्म में विश्वास करने वाले लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। योर क्लासमेट हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। यहाँ ये बोल रहा है आप अपने क्लासमेट्स में खुद देखते होंगे तो वो लोग भी काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते होंगे। यस, फाइंड आउट अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट योर क्लासमेट्स। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई कि आपको अपने क्लासमेट्स के बारे में फाइंड आउट करना है कि कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कौन कौन सा सेलिब्रेट फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। यस, अब देखिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस किस टाइप्स के फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिया इज़ नॉन एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया क्या है, लैंड ही फेस्टिवल्स की है, मतलब त्यौहारों की धरती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एवरी मंथ या इन विद इन 15 डेज 10 डेज कोई ना कोई फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट होता ही रहता है। तो ये लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है, मतलब त्यौहारों की धरती है, यहाँ हमेशा कोई ना कोई त्यौहार लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। यहाँ ये बोल रहा है लोग अलग अलग किससे बिलोंग करते हैं, रिलीजन्स धर्म से बिलोंग करते हैं और वो अलग अलग फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। लाइक जो जैसे हम लोग होली, दीपावली, ईद, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। यस, देखिए जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदू। जो हिंदूज़ होते हैं वो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और जन्माष्टमी वाले फेस्टिवल उनके क्या है, मेन फेस्टिवल्स हैं। ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। जो ईद है, ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उनका प्रमुख या मुख्य त्यौहार होता है जो ईद है। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर एक बैसाखी पर्व मनाया जाता है। हार्वेस्ट मतलब जब फसल पककर तैयार हो जाती है, कटने लगती है, तब वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी उसे बोलते हैं, तो उस वक्त ये फेस्टिवल मनाते हैं बैसाखी। फिर देखिए पोंगल एंड बिहू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल और बिहू का जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में कब मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल वही फसल जब पककर तैयार हो जाती है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पोंगल एंड बिहू। यस, फिर देखिए और असम, पोंगल जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है और बिहू जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन द केरला। केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। देर आर 3 नेशनल फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड यूनाइटेडली बाय द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। इसके अलावा यहाँ बोल रहा है कि अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ ये बोल रहा है हमारे जो यूनाइटेड फेस्टिवल है, जिसे पूरी कंट्री, पूरा देश जिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, ये वो हमारे नेशनल डे जो फेस्टिवल्स है वो देखिए, इंडिपेंडेंस डे, जिन्हें मतलब कोई भी कास्ट का या किसी भी धर्म के लोग वो इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे जो हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, महात्मा गांधी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर। तो ये 3 फेस्टिवल्स इंडिया के ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें पूरा देश सेलिब्रेट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सभी इन, क्योंकि ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं। यस, यहाँ आपको पिक्चर में इंडियन फेस्टिवल्स भी दिखाए हुए, दुर्गा पूजा, दीपावली है, ओणम मना रहे हैं, गरबा जो हो रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर जो गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी है, पंजाब में जो बैसाखी मनाई जाती है, इस तरह अलग अलग जो फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट में मनाए जाते हैं उन सारे का पिक्चर यहाँ दिया हुआ कंबाइंड में। ये सारे इंडियन फेस्टिवल है, भारत के फेस्टिवल्स हैं। फिर देखिए अवंतिका रिमेंबर्स द ईद सेलिब्रेशन एट अलीज़ हाउस। तभी अवंतिका को याद आता है कि उन्होंने ईद का सेलिब्रेशन किया था, ईद मनाई थी कहाँ पर, अली के घर पर। ऑन ईद अली गोज़ टू द मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज विथ हिज फादर। ईद के दिन अली अपने फादर के साथ कहाँ गया था, मॉस्क्यू मस्जिद गया था, और वहाँ वो क्या पढ़ के आया था, नमाज। ईद के दिन क्या होते हैं, मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ी जाती है। ऑन हिज रिटर्न ही सेलिब्रेटेड ईद बाई एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड।
और जब वो वहाँ से आ गया था तो हम उन लोगों ने क्या किया था, ईद सेलिब्रेट करी थी, ईद सेलिब्रेट करी एंड एक दूसरे को उन्होंने गिफ्ट्स दिए थे, एक्सचेंज किए थे और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो इस तरह से उन्होंने ईद का सेलिब्रेट अली के घर पर सेलिब्रेट किया था। तो वो अवंतिका को याद आता है। यस, फिर देखिए, मनदीप लिव ऑन सेकेंड फ्लोर। मनदीप कहाँ रहता है, सेकेंड फ्लोर पर रहता है। ही सेलिब्रेटेड गुरु पर्व विद ग्रेट पैशन। उन्होंने क्या, मनदीप जो पंजाबी है तो उनके घर पे कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था, गुरु पर्व फेस्टिवल मनाया गया था। हिज पेरेंट्स ऑर्गेनाइज लंगर। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था, कि लंगर ऑर्गेनाइज किया था। लंगर, लंगर क्या होता है, देखिए, एक कॉमन किचन होता है वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स हैव मील टुगेदर। लंगर के अंदर चाहे पीपल किसी भी कास्ट का हो, क्रीड धर्म का हो, या वो रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का, धर्म का, सभी लोग एक साथ बैठकर वहाँ पर क्या खाते हैं, खाना खाते हैं एक साथ। और सभी के जो खाना होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो वो चीज़ होती है लंगर। तो उसके जो मनदीप है उनके पेरेंट्स ने लंगर ऑर्गेनाइज किया था। यस, फिर देखिए, ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस। 25 दिसंबर को क्या क्रिसमस का सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिग वे बाय जॉन। ये जो फेस्टिवल है जॉन के घर पर सेलिब्रेट किया गया था बहुत ही अच्छी तरीके से। वो ऑल्सो लिव इन द सेम बिल्डिंग। जॉन भी उसी सेम बिल्डिंग में ही रहता था उन लोगों के साथ। ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज। और उन्होंने जो 25 दिसंबर को भी क्या किए थे, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज किए थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए थे एंड स्वीट्स उन्होंने एक्सचेंज करी थी। यस, तो इस तरह से यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह से लोग अलग अलग टाइप के जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होली अ फेस्टिवल ऑफ कलर इज सेलिब्रेटेड विद मच जेस्ट एंड एंथुसियाज्म। होली जो किसका फेस्टिवल है, ऑब्वियसली कलर का फेस्टिवल है, लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो वो बहुत ही जेस्ट एंड एंथुसियाज्म, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने होली का त्यौहार मनाया था। मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें होली को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, तो वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने होली सेलिब्रेट करी थी। पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड कास्ट लिविंग इन द बिल्डिंग पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। यहाँ ये बोल रहा है जो ऑल फेथ और कास्ट के जो सभी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के जो पीपल उस बिल्डिंग में रहते थे, सेम बिल्डिंग में, पार्टिसिपेट इन दिस, और सभी उस फेस्टिवल में। ऐसा नहीं कि ईद है वो सिर्फ मुस्लिम्स, नहीं, जो सारे बिल्डिंग के लोग हैं वो सारे मिलकर उस क्या करते थे, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे क्रिसमस हो या गुरु पर्व हो, सारे फेस्टिवल लोग वो लोग मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते थे। यस, फिर देखिए, देन दे ऑल हैव लंच टुगेदर। इसके अलावा वो लंच एक साथ करते थे। दस फेस्टिवल्स प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ ये बोल रहा है जो फेस्टिवल किसको प्रमोट करते हैं, नेशनल यूनिटी, हम एकता को, कि हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको ये फेस्टिवल्स बताते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा होकर एक साथ सारे फेस्टिवल्स क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। यस, फिर देखिए, एज वी हैव सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे ऑल आर इंडियंस। यहाँ ये बोल रहा है, इन एग्जाम्पल से हमने देखा है कि चाहे इंडियंस जो पीपल हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते हो, वो अलग अलग पार्ट इंडिया के अलग अलग हिस्सों से वो बिलोंग करते हो, जगह से बिलोंग करते हो, वो चाहे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो या उनका धर्म अलग हो या उनकी कास्ट अलग हो, बट वो क्या है, एक है, और वो क्या है, इंडियंस है, सभी क्या है, भारतीय हैं। अनडाउटेबली इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया, हम बिना डाउट के कह सकते हैं, इंडिया क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है या बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, मतलब एकता में, अखंडता का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि सब यूनाइटेड फॉर्म में रहते, सब एक साथ रहते हैं। यस, फिर देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ हमने पढ़ा था फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में कि किस तरह से लोग ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि क्या वर्क इंडिया में करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो लोग क्या काम करते हैं, किस तरह ताकि उनका जो लाइफ है वो चल सके। तो यस, देखिए, इन इंडिया पीपल आर इंगेज थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो लोग इन्वॉल्व हैं। मोस्ट पीपल इन रूरल एरियाज आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ ये बोल रहा है इंडिया के जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया है, गांव वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग किसके अंदर इंगेज रहते हैं, मतलब ज़्यादा मोस्टली कौन सा वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर, खेती करना, और उस एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड वर्क,
एग्रीकल्चर से, खेती से रिलेटेड वर्क क्या हो सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पशुपालन करना, एनिमल्स रियरिंग जिसे हम बोलते हैं कि पशुपालन करना, फिशिंग करना या तो मछली पालन, या फॉरेस्ट्री मतलब वो जंगलों से कोई सामान लेके आना, लाइक जैसे फॉरेस्ट्री मीन प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट, मतलब टेक केयर करना ट्री वगैरह की, फॉरेस्ट की, और टू अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। और जो वहाँ से प्रोडक्ट वो लोग लाते हैं फॉरेस्ट से, उससे वो अपना क्या करते हैं, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करते हैं, मतलब वही उन्हीं से उनका काम चलता है। यस, फिर देखिए दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, इन्हें कौन सी एक्टिविटीज़ बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। दे डू दिस थिंग इन ऑर्डर टू रेज द नेचुरल रिसोर्सेज, और वो ये जो थिंग्स है जो वो लोग करते हैं, इससे क्या होते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बी देखिए, अब मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट्स। यहाँ ये बोल रहा है अर्बन एरिया, जो शहरी क्षेत्र है, सिटी वाला जो एरिया है, वहाँ जो लोग किसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, कि जो लाइक एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट आया उसको क्या करते हैं, वो चेंज उसकी फॉर्म जो चेंज करते हैं, लाइक वुड आई है तो वुड से क्या बनाना, फर्नीचर बनाना, या अगर कॉटन आया है तो कॉटन से कपड़े बनाना इस तरह से, या अगर पेपर आया, वो पेपर वाला आया है तो उससे पेपर बनाना इस तरह की, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट नहीं आया है, मतलब उसको फिनिश प्रोडक्ट में, गुड्स में चेंज करते हैं वो लोग, जो कच्चा माल होता है उसे क्या, किस उससे क्या बनाते हैं वो लोग, फिनिश प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं इन अर्बन एरिया, मतलब सिटी वाले एरिया में। यस, देखिए दे वर्क इन इंडस्ट्रीज, इसके अलावा लोग यहाँ क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ वो लोग काम करते हैं। वी रेफर टू देम एज ए सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में तो आ जाएगा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो आएगा कि जो प्राइमरी से लाए हुए सामानों को, उनकी फॉर्म को चेंज करना, वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। सी वाला देखिए, पीपल इंगेज इन टेरिटरी एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिएबल गुड्स, यहाँ ये बोल रहा है। और जो थर्ड एक्टिविटी यहाँ बताइए कि जो पीपल क्या टेरिटरी एक्टिविटीज़ में, वहाँ वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब वो कोई सामान नहीं बना रहे, कि कपड़ा नहीं बना रहे या पेपर या फर्नीचर वो लोग नहीं बना रहे, वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और बैंकिंग फैसिलिटीज़ ETC। वहाँ यहाँ पर जैसे लाइक सर्विस प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, लाइक कि आप इस प्लेस से उस प्लेस पर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है। या कम्युनिकेशन, आज हम मोबाइल के थ्रू जो, तो मोबाइल कंपनी हमें क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। या बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंक हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, हम बैंक से कोई प्रोडक्ट नहीं, वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है या एक सर्विस प्रोवाइड कराता है कि वो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं, उनको सेविंग्स हैं, उनको बैंक में जमा रखता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सर्विसेज के अंदर, जहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो रहा, हम कोई सामान नहीं ले रहे वहाँ से, हमें उसके बदले कोई सर्विस मिल रही, लाइक होटल हो गया या रेस्टोरेंट्स हो गया, या हम थिएटर्स वगैरह में मूवी देखने जाते, तो ये सारी चीज़ें आती हैं सर्विसेज के अंदर, कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ से हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं। यस, फिर देखिए, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द बैकबोन आर इकोनॉमी, जो ये सारी जो एक्टिविटी है ये क्या है, बैकबोन है इंडिया का, मतलब रीढ़ की हड्डी है, इन्हीं की वजह से क्या रन कर रहा है इंडिया। अब जो मनी आ रही है या मनी का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, फिर जो एग्रीकल्चर से जो सामान आएगा उससे हम वो फैक्ट्रीज़ में जाकर या मिल्स में जाकर उससे फिनिश गुड्स बनेगा, और फिनिश गुड्स है, उसके अलावा जो सर्विसेज हमें मिल रही है, जो हॉस्पिटल से सर्विस मिलती है, बैंक से मिलती है, होटल वगैरह से मिलती है, तो ये सारी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिलकर ही क्या है, हमारी इकोनॉमी को रन करवा रही है, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर, अगर इनमें से एक भी एक्टिविटी मिस होगी तो क्या है, वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ इस चैप्टर में ये डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया था कि किस तरह से लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर या कल्चर के होते हुए, रिलीजन के होते हुए, कास्ट के होते हुए भी किस तरह से एक यूनाइटेड फॉर्म में वो लोग रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स वगैरह वो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये 3 टाइप्स के मेन वर्क वहाँ इंडिया में होते हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। यस, और ये तो पार्ट 1 था जो कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पार्ट 2, उसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर क्लियर टू ऑल द पॉइंट्स, आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर करने हैं, रीड दिस चैप्टर।
एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.